जनपद गाजियाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरादाबाद कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है समय पर वेतन। कर्मचारियों का कहना है कि हमारी सैलरी महीने के 1 तारीख से लेकर 7 तारीख को दी जाती है, मगर हमारी सैलरी का समय तो 1 तारीख से 25 और पूरा महीना भी लग जाता है। समय पर सैलरी ना मिलने के कारण हमारे परिवार का पालन पोषण करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, किस परिस्थितियों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन कर किया जा रहा है आप? आज हम सब भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हम सभी नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अधिकारी एवं कर्मचारी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमारी बड़ी लंबी समय से मांग है कि हम लोग नियमितीकरण किया जाए और समान कार्य समान वेतन हमारे को लागू किया जाए। प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, सांकेतिक हड़ताल, काम नहीं रोक रहे हैं ये। लेकिन इनकी मांगे ये है कि इनकी जो सब वेतनमान है वो एक रिस्पेक्टेड वेतनमान दिया जाए, जैसे दूसरे स्टेट्स में भी कई जगहों पे शायद सुनने में आया कि लागू हो चुका है समान कार्य समान वेतन। तो एक उचित मानदेय, उचित वेतनमान इनका होना चाहिए, क्योंकि ये मेहनत से काम सारे लोग कर रहे हैं। तो ये लेकिन तो सर, ये मानदेय की वजह से ही ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या परमानेंट के उसमें कर रहे नहीं, हैं? परमानेंट करना ना करना तो ये तो शासन की नीति है। शासन अगर चाहता है तो परमानेंट करेगा, नहीं चाहता है तो नहीं करेगा उसको।